देश रतन जी, सुरक्षा का मसला और कव्वाली, इसमें कुछ तो अंतर होना चाहिए कि भाई तुमने गाया हम भी गाएंगे क्या? कव्वाली अलग चीज होती है, सुरक्षा का मसला अलग होता है। मैं हैरान इस तर्क और बुद्धि पर हूं जो देश के बड़े नेता दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई कई राउंड सांसद रहे हैं, विधायक रहे, वो लोग करे जी इस पर लगाया तो फिर आरएसएस पर भी लगाओ। ये जवाबी कीर्तन है। जब आरएसएस प्रतिबंधित हुई थी, चाहे वो अयोध्या के समय में, चाहे गांधी जी के समय में, उनकी उस हत्या के समय में, तब जमेते उलेमाए हिंद पर प्रतिबंध लगा था क्या? अरे ये तर्क कौन सा है, मैं समझ नहीं पा रहा, इसके पीछे कोई दिमाग है कि नहीं है? देश रतन जी, अमिताभ जी, मैं बहुत सारे टीवी चैनल डिबेट्स में पिछले एक साल से इस विषय पर, पीएफआई के विषय पर था, और जब भी ये बात उठती थी तो यही लोग जो पैनल में बैठे हुए हैं और बहुत सारे इनके नेता कहते पीएफआई पे आप बैन क्यों नहीं लगाते। सर हर जगह ये सवाल उठाते थे कि पीएफआई पे बैन क्यों नहीं लगाते, आप क्या कर रहे हैं। और जब बैन लग गया तो सबको मिर्ची लग रही है जी, और भटकाने के लिए आरएसएस का नाम ला रहे हैं। जैसे आपने बोला दो बार बैन लगाया था, लेकिन उन सरकारों को खुद ही बैन हटाना पड़ा। जब तथ्य की जांच हुई, उनको लगा कि आरएसएस इन किसी चीज में शामिल नहीं है, ना उस वक्त की एफआईआर में था, ना सीबीआई की रिपोर्ट में था, ना चार्जशीट में था, ना कोर्ट में नाम था, ना जजमेंट में नाम आया था, तो वो हटाना पड़ा। तो झूठ के आधार पर जो बैन लगते हैं वो हमेशा हटते हैं। सिमी वाला बैन अभी भी चल रहा है जी, हाँ वो अभी भी जारी है, लेकिन सिमी का दूसरा स्वरूप, क्योंकि पहले जब बैन लगा था तो इस तरह की धरपकड़ बड़े स्तर पर जो रेड्स हुई है वो नहीं हुई थी। अब जो तथ्य और साक्ष्य सारे उनको एकत्रित करके ये बैन लगाया गया है जी। और जैसे राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि मानसिक दिवालियापन है, ये भारतीय सुरक्षा को लेके खिलवाड़ करने की कुछ राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं, जिनका वजूद खुद भी खतरे में पड़ गया है। ठीक है, देश वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वोटर बहुत समझदार हो गया। दोबारा आएंगे आपके पास, मैं सारे मेहमानों के एक बार इस बहस में शामिल कर लूं। ओंकार नाथ सिंह जी, कल तक कांग्रेस के तमाम नेता मोदी सरकार को चुनौती देते थे कि भाई पीएफआई गड़बड़ कर रही है तो प्रतिबंध करो, क्यों नहीं करते मोदी जी प्रतिबंध? आज प्रतिबंध हो गया तो राशि दल भी कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है, चुनाव है, हिंदू मुसलमान है। आपके केरल के सांसद कह रहे हैं कि आरएसएस को भी बंद करो। ओंकार जी, ये तो बात जमेगी नहीं। देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं हो सकता जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई हर भारतीय चाहेगा कि देश की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। जहां तक रह गया बैन की बात, बैन का मतलब ये नहीं हो गया कि ये संस्था एकदम खराब हो गई। जैसे आरएसएस को बैन किया गया, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आरएसएस को बैन किया गया और बाद में पता चला उनका कोई उसमें वो नहीं था और उसको बैन हटा लिया गया। मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी कोई धार्मिक संस्था जब पनपती है और उसकी बहुत सी शाखाएं होती हैं, तो उसमें ये सब चीजें आने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि वो अपने धर्म को बढ़ाने के चक्कर में कभी कभी वह कार्य कर जाती हैं जो कि उन्हें करना नहीं चाहिए, ना वो करने के अधिकारी हैं और ना वो कानून के दायरे में आता। वैसा ही जैसा हिंदू महासभा ने किया था, कोच्चर जैसे गांधी जी की हत्या की थी। ये घटना भगवान की दया से ऐसी कोई घटना भी नहीं यहाँ पे हुई है, लेकिन अगर वाकई में ये खतरनाक है तो 5 साल का प्रतिबंध क्यों, हमेशा के लिए क्यों नहीं जी? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए इसको। इसलिए कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, और ये नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने बैन कर दिया तो गलत कर जी। कल मैं, ठीक है ओंकार जी, मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं। कल मैं प्रताप सिंह खचरिया आवास का एक वो देख रहा था वक्तव्य, वो ललकार रहे थे मोदी जी को, कह रहे थे हिम्मत है तो बैन कर दो, बैन कर दिया तो आज कांग्रेस कह रही है कि ऐसा है और वैसा है।
पाकिस्तान को भी नाराजगी है बैन करने से, कांग्रेस को भी नाराजगी है। यहाँ यहाँ कहना चाहूंगा भाई साहब, एक सेकंड लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक सेकंड लूंगा जी। पाकिस्तान के ला के आप कांग्रेस को या बाकी दलों को आप ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान के हितैषी है? जय शाह के लड़के जी, वो जब अमित शाह के लड़के जय शाह पाकिस्तान के जनरल के लड़के के साथ फोटो खिंचवाए तो वो ठीक है, वो रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक। और हम अगर कोई बात पर आदमी कहता है पाकिस्तान ने क्या, हमने कोई बयान दिया हुआ है तो हम दुश्मन हो गए देश के? ठीक, ये गलत बात है, इस तरह की बात नहीं होनी। ठीक ओंकार जी, अब्बल तो उनका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान का, फिर भी उनके पेट में दर्द और उसी ढंग का दर्द कांग्रेस में, तब सवाल उठता है। ठीक, तब सवाल उठता है क्योंकि वही बात जो वो बोल रहे, वही राशिद अलवी बोल रहे, वही आपके सांसद बोल रहे केरल के सुरेश, इसलिए सवाल उठ जाता है उनका जी। इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए, विद इन द पार्टी चीजें सुधारिए, ठीक है ना, तब बात बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, कहने से पार्टी के अंदर जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक पार्टी के अंदर मर्यादा नहीं रहेगी शब्दों की, तब तक कांग्रेस समस्या पर जी उनकार भाई। ठीक है, मैं मुफ्ती साहब के पास चलूं। ठीक है, दक्षिणपंथी शक्तियां हावी हो रही हैं, दक्षिणपंथी शक्तियां जहां जहां हावी हो रही हैं वहां वहां इस तरह की घटनाएं ठीक है पर लेगी, उसे हम आप रोक नहीं पाएंगे। ठीक है उनकार जी, मैं मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब के पास चलूंगा। मुफ्ती साहब, पीएफआई पर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर जो प्रतिबंध लगा है, बैन लगा है इस पर, और इसके जो और सहयोगी संगठन है सब पर, इसको कैसे देखते हैं आप? आरंभिक प्रतिक्रिया आपकी। देखिए जी, देखिए, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है जी। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। 2017 से 16 से हम लोग साउथ में डिमांड करते आए हैं जी कि पीएफआई पर बैन करना चाहिए, और तेलंगाना की पुलिस और तेलंगाना की सरकार ने पीएफआई पर सख्ती किया, वो तेलंगाना से भाग खड़े हुए। मैं कहता हूँ 2018 में मोहसिन रजा ने ये कहा था कि मेरे पास पुख्ता सबूत है और एक वकील को 120 करोड़ या इससे ज़्यादा की वकीलों को पीएफआई की तरफ से फंडिंग हुई थी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब 2018 में मोहसिन रजा ने कहा था पुख्ता सबूत है तो क्यों नहीं बैन किया गया अभी तक? पीएफआई के बैन का मैं समर्थन करता हूँ जी, मैं समर्थन करता हूँ। क्यों समर्थन करता हूँ? कि ये देश में जितनी आज़ादी है, कितना फ्रीडम है, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, खूबसूरत लोकतंत्र है, और मुसलमानों को जितने राइट संविधान ने दिए हैं दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं दिए हैं। तो ऐसे में पीएफआई जैसे संगठनों को भारत में ज़रूरी नहीं है। देखिए, इसका दो तरह से मुकाबला करने की ज़रूरत है। सब काम सरकार को ही नहीं करना है, अगर कोई समाज के अंदर रेडिकलाइज होता है तो समाज के बुद्धिजीवी, समाज के उलमा, समाज के इंटेलेक्चुअल अपने समाज के अंदर कट्टरपन को दूर करें। अगर दूर नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा उस समाज को नुकसान होगा। एक कट्टरपंथी अपने समाज को ही बर्बाद करेंगे, भारत देश को बर्बाद करेंगे। तो कट्टरपन कहीं भी हो, खिलाफत होनी चाहिए, उसके मुखालफत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। मुफ्ती साहब, आऊंगा आपके पास दोबारा, दोबारा मैं आऊंगा। मैं दो मेहमान हैं, उनको और बीच में ले आऊं। डॉक्टर इस्लाम साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप कैसे देखते हैं इसको? असल में अभी तो बहुत सारे लोगों ने जो कहा उसमें कुछ सत्य भी, कुछ असत्य भी है जी जी। मैं इसकी इतिहास पे थोड़ा सा नजर डालूंगा जी। इस ब्रिटिश साम्राज्य में एक तहरीक थी मुसलमानों की, खाकसार के नाम से जी। और डॉक्टर हेडक्वार ने जब आरएसएस बनाई तो उसी को आदर्श बना करके आरएसएस बनाया। डॉक्टर हेडक्वार कोई धार्मिक आदमी नहीं थे, वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, अधर्मी थे, लेकिन उनको एक रिएक्शन में उन्होंने खाकसार के आरएसएस बना गई। जब पाकिस्तान इंडिया का डिवीजन हुआ तो खाकसार उन्होंने खत्म कर दी कि अब पाकिस्तान बन गया, अब खाकसार की कोई जरूरत नहीं। भारत में आरएसएस काम करती रही, आरएसएस को आदर्श मान करके पॉपुलर फ्रंट बनी। अब जबकि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है तो आरएसएस को खत्म कर देना चाहिए जैसे ही खाकसार तहरीक खत्म हो गई पाकिस्तान को बन करके, क्योंकि जो मिलिटेंट ट्रेनिंग आरएसएस देती है बंदूकों की, तलवारों की, डंडों की, और उसका जो प्रदर्शन करती है शहरों शहरों में आतंक फैलाने के लिए कि दूसरी कम्युनिटी डरे, तो अब उसका कोई औचित्य नहीं रहा। अब जो है आरएसएस को
अपने आप को खुद जो है एग्जॉल्व कर लेना चाहिए, वो भारत हिंदू राज बन चुका है मोदी जी के आने के बाद। अच्छा, अब उसकी जरूरत नहीं है आरएसएस की। और जब आरएसएस खुद अपने आप को डिसॉल्व कर लेगी तो पॉपुलर फ्रंट जैसी तंजीमें जो बन रही हैं, जो आरएसएस को आदर्श मानकर, वो बनना बंद हो जाएंगे जी। और देश जो है जी, ठीक है डॉक्टर साहब जी, जो है मैं अवनीश पटेल साहब के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब तो बहुत आगे चले गए, मुझे लगा मुझसे खबर छूट गई है, मुझसे हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है। ये गनीमत रही कि ये नहीं कह दिया कि कांग्रेस की सरकार में ये मुस्लिम राष्ट्र था, अब हिंदू राष्ट्र हो गया। यहाँ जब इस स्तर पर बात हो जाएगी तो ये भी हो सकता है। अवनीश पटेल जी, आधा हिंदू राष्ट्र था, कांग्रेस भी आधे हिंदू थे, हिंदू राष्ट्र था, आधे थे। अच्छा, वो आधे थे ये पूरे, ठीक है समझ गए। ठीक है भैया, ठीक है। केरल में तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हुआ, वहां भी 2010 में कहा गया कि ये संगठन आतंक की भाषा बोलता है, ये संगठन देश के लिए खतरा है। लेफ्ट की सरकार थी, जो पूरे आपके हिसाब के लोग थे, उनने भी कहा था इसको बंद करो। ठीक है ना भैया, ये भी ध्यान रखो। इस्लाम साहब।